बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज कक्षा 8 के हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 13, जहाँ पहिया है। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पहिया शीर्षक के अंतर्गत दिए गए प्रश्न को शुरू किए थे और आज हम लोग उसी का दूसरा प्रश्न करेंगे। तो इसमें जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है वह है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो उत्तर दो है ये कि शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी और साइकिल के मालिक साइकिल के मालिक गांव के एकमात्र साइकिल डीलर थे। एकमात्र साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उनकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था। इस आंदोलन से उनकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था। इसलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? उत्तर तीन, फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो फातिमा ने
जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फब्तियां, उसे लोगों की फब्तियां, गंदी टिप्पणियां गंदी टिप्पणियां सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी। जो बहुत ही रूढ़िवादी थे, जो बहुत ही रूढ़िवादी थे, उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया, बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाई यह थी कि दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडी साइकिल वहां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। लेडी साइकिल वहां पर्याप्त संख्या में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी, उपलब्ध नहीं थी। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे शीर्षक की बात। और शीर्षक की बात में जो प्रश्न दिया हुआ है वो है कि आपके विचार से लेखक ने यहाँ पे लिखा है कि आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। और इसमें दूसरा प्रश्न है कि अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये बच्चे खुद से करेंगे दूसरा प्रश्न। इसमें उनको लिखना है कि वो शीर्षक जो लिख रहे हैं
वो क्यों लिख रहे हैं, उसमें वो क्या समझ कर इस शीर्षक को दे रहे हैं, वो पक्ष लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला करेंगे, और पहले में हम लोग यहाँ पे करेंगे कि आपके विचार से इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा। तो ये शीर्षक की बात का प्रश्न है ये। और इसमें हम लोग करेंगे शीर्षक की बात। उत्तर एक है इसका कि मेरे विचार से इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है, मेरे विचार से इसमें अलग अलग छात्रों का अलग अलग उत्तर हो सकता है। इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है, इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा गया क्योंकि इसलिए इसलिए रखा गया होगा कि इसलिए रखा गया होगा क्योंकि पहिया विकास का प्रतीक है, क्योंकि पहिया विकास का प्रतीक है। और जब पुडुकोट्टई में यह आंदोलन चला तो यह आंदोलन चला तो महिलाओं का जीवन गतिशील हो गया, तो महिलाओं का जीवन गतिशील हो गया। वे रूढ़िवादी विचारधाराओं वे रूढ़िवादी विचारधाराओं और बंधन से मुक्त हो गए, मुक्त हो गई। इससे उनमें आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ, आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ। इसीलिए जो है इसका नाम जहाँ पहिया है ये रखा गया। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है जिसमें समझने की बात शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न है और साइकिल के अंतर्गत प्रश्न है। तो इसमें जो प्रश्न दिया है पहला समझने की बात के अंतर्गत, तो
इसमें दिया है कि लोगों के लिए, पहला प्रश्न है ये कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है, तो साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर साइकिल को एक विनम्र सवारी कहा जाता है, इसमें दूसरा प्रश्न दिया है कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। तो जो पहला प्रश्न है उसमें हवाई जहाज उड़ाने जैसी कोई बड़ी चीज़ है, ऐसा इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ की महिलाओं के लिए साइकिल चलाना बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर वो साइकिल को अपना साधन नहीं बनाती तो उनका जीवन आज भी जो है वो रूढ़िवादी विचारधाराओं और बंधनों में बंधा रहता, और उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी नहीं बढ़ता, उनका जो है आर्थिक स्थिति भी उनकी नहीं सुधरती। तो इसलिए जो है यह उनके लिए हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है, जहाँ कि वो इतने बंधनों के बीच में रहती थी, तो अब उनको ये स्वतंत्रता मिली है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है। और दूसरा प्रश्न जो है कि पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? तो साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कम खर्च में गरीब लोगों के लिए भी सहायक होती है, और यह पथरीले और संकरे रास्तों पर भी आसानी से लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है, और ग्रामीण लोगों के लिए साइकिल एक सर्व सुलभ सवारी है, क्योंकि ये बहुत महंगी नहीं होती है और इसे एक बार चला लेने पर इसे न ही पेट्रोल की ज़रूरत है, तो इस तरह से ये इतनी सुविधाजनक है और इसे कोई भी खरीद सकता है, इसीलिए इसे विनम्र सवारी कहा गया है। और अब साइकिल शीर्षक के अंतर्गत यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उसमें है कि फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। तो साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो यहाँ पर उन्हें इस आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि उनके जीवन में पुरुषों पर निर्भरता बिल्कुल समाप्त हो गई, साइकिल चलाने से पुरुषों पर निर्भरता बिल्कुल समाप्त हो गई, और अब वे साइकिल पर सवार होकर स्वच्छंदतापूर्वक अपना काम करने लगी, जिससे उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। तो इस तरह से यहाँ पे साइकिल जो है एक विकास का प्रतीक हो गया महिलाओं के लिए। और अब यहाँ पे कल्पना से के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे कि पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? तो ये सभी छात्र अपना अपना सोच के लिखेंगे। और दूसरा कि अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात कि जो जहाँ पहुँचना चाहता है वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा और उसका काम रुक जाएगा। और तीसरा, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, यानी कि पहले की तरह ये फिर से जो है पिछड़ेगा नहीं और ये आगे ही बढ़ता जाएगा। और चौथा है कि मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं, आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है, पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। तो यहाँ पर समाचार तैयार करना है, इसके बारे में लिखना है। और पांचवा प्रश्न है कि अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए, क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार से लिखिए। तो पढ़ने के बाद छात्र इसे करेंगे। और अब हम लोग भाषा की बात देखेंगे। भाषा की बात में उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं,
इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं, जैसे अभी, प्र, अनु, परि, वि, इक, वाला, ता और ना। तो इससे संबंधित शब्द बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि अभी से अभिमान, अभिषेक, और प्र से प्रखर, प्रबल, अनु से अनुकरण, अनुवाद, और परि से परिचर्चा, परियोजना, वी से विषम, विमुक्त, और इक से सामाजिक, दैनिक, साप्ताहिक, वाला से सब्जी वाला, दूध वाला, और ता से सुंदरता, प्रसन्नता, और ना से दुखाना, रुलाना। तो इस तरह का जो है प्रत्यय युक्त उपसर्ग युक्त शब्द बन सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।